नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझी आपसे संवाददाता अनूप सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत में कल दिन गुरुवार को ठनका गिरने से 8 लोगों की मौत हुई थी। इस दुखद घड़ी में आज मृतक के परिजनों को एसडीओ प्रदीप कुमार, सीओ राकेश सहायक, नगर पंचायत अध्यक्ष सुमित्रा देवी, गुलाम समदानी, बीडीओ अमरेन डांग एवं समाज सेवी डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी ने संयुक्त रूप से सभी मृतक के परिजनों को 4-4 लाख का चेक दिया गया। बताते चले कि इस मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री के द्वारा कल ही घोषणा कर दी गई थी और गढ़वा डीसी हर्ष मंगला के द्वारा कहा गया कि सभी मृतकों के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा दे दिया जाएगा, जो आज पूरा कर दिया गया। इतनी बड़ी दुखद घटना में सभी अधिकारी से लेकर समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधियों को भी यह घटना सभी को झकझोर के रख दिया। मुआवजा वितरण में थाना प्रभारी विनय कुमार अपने दल बल के साथ वीरेंद्र नाथ दुबे उर्फ वीर दुबे, संजय कमलापुरी, सज्जन सिंह, लक्ष्मण सिंह, शंभुनाथ चौधरी, अमित पाठक, राकेश कुमार सिन्हा, राहुल कुमार, कुलदेव चौधरी, तिरुपति दुबे, सुचित सिंह, अनुज दुबे सहित सभी अंचल कर्मी व प्रखंड कर्मी भी उपस्थित थे। दो घायल है जिनका इलाज अभी चल रहा है। जितने लोग का जो देहांत कर गए थे उनके परिवार को, उनके आश्रित को हम लोग 4-4 लाख रुपये सभी को हम लोग देकर आए हैं। और यह घटना जो है इसी जगह पे घटी है, यही पेड़ के नीचे यह घटना हुई है। तो सभी, ये बहुत ही दुखद घटना है, सभी मर्माहत हैं। और राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश प्राप्त हुआ है कि 24 घंटे के अंदर उन लोगों को सरकारी सहायता जो है उसकी मुहैया कराया जाए। किसी साहब का निर्देश प्राप्त हुआ, उसी निर्देश के आलोक में हम लोग 4-4 लाख रुपये का चेक सभी को हम लोग अभी दे दिए हैं। और सभी को 50-50 kg चावल भी हम लोग दिए हैं। अन्य जो भी और सरकारी सहायता है हम लोग पीड़ित परिवार को हम लोग मुहैया कराएंगे और बहुत जल्द हम लोग मुहैया कराएंगे। मेरा यह कहना है कि आप देख रहे हैं जिस पेड़ के नीचे हम लोग खड़ा है, इसी पेड़ के नीचे 8 लोग वज्रपात हुआ था, जिसमें 8 लोग मरे थे, 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उन 8 लोगों को मुख्यमंत्री के आदेश पर 24 घंटा के अंदर आप 4-4 लाख का हम लोग जो है चेक अभी प्रदान करके आ रहे हैं। अन्य जो सरकारी सुविधा है उनको और मिलेगा। आप सामने ही देख रहे हैं, हम हैं, एसडीओ साहब हैं, सीओ साहब हैं, बीडीओ साहब हैं। अभी सभी जो पीड़ित परिवार हैं उनको 4 लाख प्लस 50 किलो अनाज देते हैं। आगे भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी, टावर में उस समय अथी नहीं था, इसके चलते यहाँ घटना घटी है और घटना तो बहुत दुखद है। इसमें हम लोग हर तरह से इन लोग को मदद करेंगे। आपके नगर पंचायत में क्षेत्र पड़ता है, आपके द्वारा क्या किया जाएगा? जो बनेगा वो हम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास दिया हुआ। हाँ, सबको प्रधानमंत्री आवास दे चुके हैं। लकड़ी दी है। और जो भी जितना बनेगा हम अपने तरफ से संस्कार तो कल करा दिए। जो प्रोविजन है जो हम धन्यवाद।